थैंक यू. ओके, मैं कह देता हूँ. स्टीव जल्दी आओ. ये और ये, ठीक है? डॉक्टर को बुलाओ, उसे डॉक्टर की जरूरत है। अरे कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ. One coffee. कार्ड देना प्लीज. मेरा कार्ड. पीछे हटो. ऐसा. मैं डॉक्टर हूं, इसे ट्रीटमेंट चाहिए. मुझे इसकी मदद करने दो प्लीज. टिश्यू देना, टिश्यू. अब तुम ठीक हो, मैंने बचा लिया तुम्हें, कुछ नहीं होगा. मामा बिल्कुल ठीक है. इनका ट्रीटमेंट कर दिया मैंने, सिर्फ ड्रेसिंग कर देना. क्या आप डॉक्टर आनंद हैं इंडिया से? हाँ. मैंने आज के न्यूज़पेपर में आपका इंटरव्यू पढ़ा. ओह अच्छा. यू आर वेरी लकी. पता है जिस डॉक्टर ने आपकी जान बचाई है वो इंडिया के बहुत बड़े सर्जन हैं. यू शुड थैंक हिम. थैंक यू डॉक्टर. कम ऑन जल्दी करो. सॉरी, हमारे ऐसे बिहेवियर के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. कोई बात नहीं. अगर मेरी भाषा या वेशभूषा तुम्हारे देश के लिए खतरा है तो मुझे बदलने की जरूरत नहीं है. तुम्हें मतलब इंसान को उसके पहनावे से मत परखा करो. समझ गया सर. आई एम सॉरी. थैंक यू. सैल्यूट. आप चलिए सर. भैया, ये लोग सोचते हैं सादे कपड़े पहनने वाले चोर होते हैं. तो क्या हमेशा सूट वूट पहन के घूमे? वैसे भी इंडियंस को रोकना एयरपोर्ट पे आजकल फैशन बन गया है. पता है, जब भी मुझे लगता है मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं सीधा एयरपोर्ट पे आ जाता हूँ. जिस तरह का सुलूक ये हमारे साथ करते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, बिल्कुल आम आदमी हूँ. और ये मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है. अब्दुल कलाम साहब, कमल हासन सर के साथ भी ऐसा हुआ है. जब इन लोग के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरी क्या औकात. नहीं भैया, वो दरअसल आपके साधारण कपड़ों से ये लोग आपको पहचान नहीं पाए, इसलिए अगली बार आप जीन्स पहन कर आना. मुझे ये लोग हजार बार भी रोक लें तब भी यही कपड़े पहनूंगा. अब इनके लिए अपनी माँ से खरीदारी थोड़ी कर सकता हूँ. मैं कुछ समझी नहीं. तुमने मुझे भैया इसलिए कहा क्योंकि भारत माँ हमारी माँ है ना. जय हिंद. बाय. मेरे साथ जो था उन्हें भी छोड़ दिया सर. अभी ले आया. और क्या, फास्ट फूड की तरह इनकी डिलीवरी भी फास्ट है और वैसे भी अपन साइडकिक नंबर वन है. डॉक्टर, क्या मैं आपके लिए एक टैक्सी बुलवा दूं? क्या टैक्सी? अरे हम लोग के लिए बग्गी मंगा, क्रेडिट डाउन कर रहा है अभी. ये देख बग्गी ला रहे. तो अब अगला अवार्ड है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. जिन्हें दिया जा रहा है उनके बारे में जानते हैं. पूरी दुनिया में डॉक्टर्स इंसानों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर आनंद इंसानियत को बचाना ज्यादा जरूरी समझते हैं. अगर उन्हें हम आधी रात में भी बुलाएंगे फिर भी वो हंसते हुए इलाज करते हैं. वो डॉक्टर नहीं है, मेरे भाई जैसा है. एक ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता है. किसी की कितनी भी बड़ी सर्जरी करनी हो तब भी वो फीस के तौर पर सिर्फ 5 रुपए लेते हैं. उन्होंने ना जाने कितनों की जान बचाई है. 5 रुपए में इलाज करते हैं. अगर किसी के पास पैसे ना हो तो भी उसका इलाज करते हैं. वो हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं है. इस नेक इंसान को अवार्ड से सम्मानित करने में हमें बहुत खुशी हो रही है. हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर आनंद लाखों डॉक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बने. आनंद भैया ही मेरे स्कूल की फीस भरते हैं. मैं भी बड़े होकर उनके जैसे डॉक्टर बनूंगी और उन्ही की तरह जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त में करूंगी. स्वागत करते हैं डॉक्टर आनंद का इंडिया से.
हॉस्पिटल्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अर्जुन को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और वही डॉक्टर आनंद को अवार्ड देंगे। थैंक यू डॉक्टर आनंद, प्लीज यहां पर आकर कुछ शब्द कहिए। थैंक यू, मैं अपनी मातृभाषा में आप सबसे बात करना चाहूंगा, इसलिए प्लीज हेडफोन्स पहन लीजिए। इंसानियत, इस शब्द को बहुत ही ज्यादा महान बना दिया गया है, पर यह वो जज्बा है जो हर किसी में होना चाहिए। मेडिसिन का इजाद हुआ था इंसानों की भलाई के लिए, पर आज यही सेवा दुनिया का सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। देखिए, जिंदगी सबकी कीमती होती है, फिर चाहे वो इंसान अमीर हो या फिर गरीब, फर्क नहीं पड़ता। किसी भी देश में एक अमीर आदमी को जरूरत के वक्त जिस तरह की मेडिकल सुविधा मिलती है, वही ये गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो देश इस बात को समझेगा, वही सही मायनों में तरक्की करेगा। दुनिया के हर इंसान का मुफ्त में इलाज हो सकता है, और मैं इसी चीज के लिए जद्दोजहद करता रहा हूं और करता रहूंगा। उम्मीद है मैंने जो सपना देखा है उसमें आप सब दिल से मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सो फॉर द मेडिकल वर्ल्ड इट्स अ वेरी गुड। आनंद, तुम चेन्नई से हो ना? जी हाँ, गांधीनगर से। पता नहीं क्यों तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग ऐसे छोटे शहरों से आते हैं। शायद इसलिए क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तुम MBBS हो ना, या फिर वो यूनानी आयुर्वेदिक झोला छाप वगैरह? नहीं डॉक्टर साहब, मैं MBBS MD हूँ। ओ, फिर लोगों का इलाज 5 रुपए में क्यों करते हो? सर, देखो हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, तुम जैसे नेक डॉक्टर के आने से हमारे हॉस्पिटल की इमेज बढ़ जाएगी। मिलकर नोट छापेंगे। देखो अब तक पुण्य तो तुमने कमा लिया, अब लगे हाथ कुछ पैसे भी कमाई लो, सोच के बताना। देखिए सर, मैं पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बिल्कुल नहीं बना। देखो खुल्लम खुल्ला पूछ रहा हूँ, तुम्हारी कीमत क्या है? बहुत ज्यादा है, आपसे नहीं होगा। मेरी ऑफर ठुकरा रहे हो? ठुकरा नहीं रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। ना बोल के पछताएगा तो स्टेटोस्कोप उठाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। आपको जो अच्छा लगता है कीजिए। तुझे हो क्या गया है? अबे होगा तो तुझे, तेरे जैसे डॉक्टर की वजह से ही पूरी डॉक्टरों की कौम बदनाम है। तेरी हर्निया का ऐसा ऑपरेशन करूंगा जिंदगी भर थैली लटका कर घूमेगा। तूने इलाज के नाम पर लोगों को लूट के बद्दुआएं जमा की हैं, और मैंने गरीबों का इलाज करके दुआएं हासिल की हैं। मेरी क्लिनिक की तरफ आंख तो उठा के देख, मेरे पेशेंट तेरी चीर फाड़ कर डालेंगे और कोई सर्जरी तुझे जोड़ नहीं पाएगी। लुंगी में हूँ इसलिए पपलू समझा क्या? अब ऐसी जगह ब्लेड मारूंगा ना, उठते बैठते मेरा नाम लेता रहेगा, जिंदगी भर नर्स के कंधों पर बोझ बन के फिरता रहेगा। ज्यादा बोल रहे तो कैंची घुसा डालूं, क्या पूछ रहा है ये? कुछ नहीं, अपॉइंटमेंट मांग रहा था। इस सिटी में दोबारा मत दिखना, नहीं तो मैं तेरा सीटी स्कैन कर दूंगा। अरे यार बहुत लेट हो गए, चल जल्दी। सॉरी डॉक्टर, मैं एयरलाइंस ऑफिस गई थी इसलिए लेट हो गई। मेरे टिकट का क्या हुआ? अभी पीक सीजन टाइम है इसलिए फर्स्ट क्लास टिकट्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको इकोनॉमी चलेगा क्या? नहीं नहीं चलेगा, हम बाद में चले जाएंगे, डैनियल को याद से बता देना। यहाँ पे एक से एक गोरी है भाई, मैं जरा नहा के चिकना बन के आता हूँ, फिर आईफिल टावर में चढ़ के यहाँ के नजारे देखते हैं। माँ, कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। टीवी पर तो तू एकदम हीरो लग रहा था, बॉलीवुड के सारे हीरो तेरे सामने पानी कम चाय है बेटा। बचपन में तो मुझे मनुज बोलती थी झूठी। चल हट, माँ कभी झूठ बोलती है क्या? अच्छा सुन, जल्दी से खड़ा हो जाना। क्या? अरे पूरब की तरफ मुँह करके खड़ा होना। पर किस लिए माँ? तेरी नजर उतारनी बाबा। ये लो, काम वाली की, भाजी वाली की, स्त्री वाली की, दूध वाली की, सबकी बुरी नजर दूर हो। पिचकारी मार। क्या? अबे थूक ना, काटना मत। तेरी माँ 2 मिनट में गई और 5 मिनट में आती है। अरे माँ रुक, बात तो कर मुझसे। अरे बच्चा पार्टी, कैसे हो? मैं घनीराम, आप तो छा गए भैया। बस तुम लोग का प्यार है भैया, बचा लिया भैया। आपको जाओ इधर, आपको अपना स्टैचू दिखेगा। कलन पैसे बर्बाद क्यों कर रहा है? वही पैसे बचाएंगे तो गांव में हॉस्पिटल बना सकते हैं। इसलिए तो आपको मानते हैं, स्टैचू कैंसिल कर। भैया मेरे लिए वहाँ
वहाँ से चॉकलेट लेके आओ ना, वरन की चॉकलेट बहुत मस्त होती है। चॉकलेट खाने से दांत खराब होते, पहले तेरी आगे की खिड़की खुली है। मेरे को मेरे बेटे से बात करने दो, भीड़ कम करो, निकलो यहाँ से। वाह, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? एक इम्पोर्टेंट बहू लेकर आ मेरे लिए। अच्छा बता कैसी लाऊं? ऐसी जिसे देखकर आंखों को सुकून मिले और तेरी जिंदगी की सारी कमी दूर हो जाए। सुंदर बहू घर का काम नहीं करेगी माँ। चुरन। ऐसे छछुंदर की तरह मुंह मत बना। इतनी अच्छी बॉडी बनाई है तूने, टाइट शर्ट और जींस पहन के बाहर निकल लड़कियों की लाइन लग जाएगी। बेटा मेरा खत्म हो रहा है डाटा, इसलिए अम्मा करती टाटा बाय। चाय खारी खाएंगे? प्लीज प्लीज। सॉरी मैडम। क्या बेइज्जती है यार, तेरी एक कॉफी के लिए ये सब सुनना पड़ रहा है। मेरा सिर दर्द से फट जाएगा, मुझे कॉफी चाहिए। मेरे पास 5 यूरो है और इसकी यहाँ कॉफी 10 यूरो की है। ऊपर से कार्ड भी नहीं ले रहा, कटेंगे दे दे यार। एक्सक्यूज मी, हमारा वॉलेट कोई जरूरतमंद चोर चोरी करके ले गया है ना? इंडियन होने के नाते 2 कप कॉफी मिला देंगे प्लीज? ये लो, हमारे लिए 2 कॉफी, तुम्हारे लिए 2 कॉफी, बाकी बचे हुए पैसे मुझे टैक्सी के लिए चाहिए। 4 ब्लैक कॉफी प्लीज। 40 यूरोज। टैक्सी के लिए। तो लॉक और क्या बोलता है? हाँ अरे, क्यों भाई? मैं लड़की हूँ। ये बॉटल कब आया? लिख के लगाना कि लड़की है। थैंक्स फॉर द कॉफी। इंडियन हो? बिना मिलावट के देसी। ओके, मेरा नाम पल्लवी है, मैं चेन्नई से हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ अपने चीफ डॉक्टर के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ। इट्स एन ऑफिशियल ट्रिप, पर सच कहूँ बोर हो गई हूँ। अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? मेरा नाम है। कोई अपनी जगह नहीं ले रहा। ये लोग जैसा कहते हैं करते जाओ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हिलना मत, अपनी जेब खाली करो। ये लोग खाली। इंडियन हूँ मेरे भाई, प्लेन में मैं खड़े खड़े आया हूँ। सालों से मैंने पैसे की शक्ल तक नहीं देखी। वापस इंडिया हम लोग पैदल चल के जाएंगे। 4 दिन से झूठी प्लेन चाट रहे हैं। तू ही कुछ दे दे। मुझसे कोई रुपया नहीं छीन पाया, आज ये यूरो छीन रहा है। ए, अपनी अंगूठी निकाल। नहीं, ये मेरी मॉम की है। जल्दी दे। मॉम ने दी थी। दे दो बेजान चीज है। मैंने बोला दे वरना। नहीं तो ये गोली मार देगा। मैं तो तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ। ओए ढगले लुटेरे रुक, मैं कुछ करता हूँ। सच में दे दो। जाइश कर। चलो सब लोग चलो।